उधर रविवार को गायत्री परिवार संगठन के द्वारा लॉकडाउन पीरियड के लंबे अंतराल के बाद गायत्री प्रज्ञा संस्थान में तहसील स्तरीय विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आज से ही हमको ऐसे संकल्प लेकर के जाना है कि कहीं ना कहीं हमारे कारण कहीं गुरुदेव का काम अधूरा रह गया हो या हमारे आदर्श प्रभाव के कारण कर नहीं पा रहे हो, तो निश्चित रूप से उस काम को हम आगे जाकर के बढ़ाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि गुरुदेव का यदि हम काम देखते हैं तो उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में 800 साल का काम कर दिया था, 40 वर्ष अज्ञातवास में बिताए थे और 40 वर्ष में उन्होंने हम सोचते हैं कि हम इस गांव से इस गांव तक कैसे पहुंचेंगे, लेकिन गुरुदेव ने 40 वर्ष में 7,000 केंद्रों पर गए थे, 11 करोड़ गायत्री परिवार के भाई लोगों से संपर्क किया था। इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी तपस्या, 3600 पुस्तकें लिखी, इतना बड़ा अपने गुरु ने काम किया है, तो उस काम को बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी भी है। हम भी अपने गांव, अपने मंडल, अपने तहसील, जहां पर भी हम जा सकते हैं वहां पर हमको काम करना है। ये कहा तो हम अपने आप को उस ऋषि सत्ता से, गुरु सत्ता से जोड़ करके रखेंगे। गुरुदेव ने अखंड ज्योति में लिखा है और सही भी है कि हम ज्यादा बड़े तो नहीं है, लेकिन हम छोटी सी नल बन जाए, लेकिन नल जब टंकी से जुड़ी रहती है, नल जब टंकी से जुड़ी रहती है तो उसका सौभाग्य है, लेकिन जुड़ा होना पर्याप्त नहीं है। नल यदि बड़ी टंकी से जुड़ी है तो जुड़ा होना पर्याप्त नहीं है, उसका खुला होना भी पर्याप्त है। और जब हम खुले रहेंगे तो निश्चित रूप से गुरुदेव का अमृत आएगा और अपने अंदर वो चीज आएगी, भावना आएगी, गुरुदेव का काम कर पाएंगे। उधर कसराबाद क्षेत्र में अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। थाने पर आकर के आपने ज्ञापन दिया, आवेदन दिया? सर, मैं मंडेश्वर साइड से मेरे घर की ओर आ रहा था कसराबाद की ओर, मुझे रास्ते में थोड़ा खाटे पर जिला अधिकारी आबकारी राधेश्याम राय और देवराज नगीना और उनकी टीम ने मेरे साथ वहाँ पर गाली गलौज की, मुझे धमकियाँ दी गई मारने की, मुझे केस प्रकरण बताया गया कि 34(2) और 307 की तुम्हारे पे मैं धारा लगवा सकता हूँ, ये करो। तो गाली गलौज की, प्लस धमकी की और मुझे जान से मारने की कोशिश भी की। मेरी गाड़ी में जब माल रखना चाह रहे थे वहाँ पे, कौन सा माल रखना चाह रहे थे? शराब। मेरी गाड़ी में वहाँ पे मेरे को रुका, मैंने बातचीत की, मेरी गाड़ी में जबरदस्ती शराब रख रहे थे। मैं वहाँ से मेरी गाड़ी, मेरी बढ़ई निकालने लगा, इन्हें चारों गाड़ी से घेर लिया और मेरी गाड़ी को टक्कर मारी और मुझे जान से मारने की कोशिश की। आपने पुलिस थाने में शिकायत की? हाँ, पुलिस थाने में शिकायत की है, आवेदन भी दिया। और क्या इसमें एक बात ये बताई गई है कि शासकीय लाइसेंसधारी ठेकेदार और राय साहब की पार्टनरशिप है दोनों की, और वो उनकी पार्टनरशिप के वजह से लोगों को परेशान की। शराब को लेकर सहायक आबकारी अधिकारी राधेश्याम राय के द्वारा पिछले कई महीनों से जबरन लोगों पर अवैध प्रकरण बनाकर उनको डरा धमका कर उन पर 34(2) के प्रकरण दर्ज कराए जा रहे हैं, और उनकी पार्टनरशिप कसरावत ग्रुप में है, इसलिए वो आए दिन झूठे प्रकरण बना रहे हैं और लोगों को 34(2) में फंसा रहे हैं और मार भी रहे हैं उनको, जबकि मारने का अधिकार नहीं है उनको, और वो मारते भी हैं लोगों को जबरन, और जबरन धमकी देते हैं कि तेरे ऊपर हम 34(2) बना देंगे, तेरा ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उनसे पैसे लेते हैं। एक एक 34(2) प्रकरण के 3-4 लाख रुपए लोगों से ले रहे हैं। आज भी कोई मारपीट हुई? आज भी उनने जो है सागर जायसवाल करके लड़का है, वो यहाँ पर हमारा कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, वो जो है अपनी गाड़ी से जा रहा था, उसके पीछे 4 गाड़ियाँ लगाई उनने और उसकी गाड़ी को ठोकी, कार को उसके अपनी बोलेरो से ठोकी, और ठोकने के बाद वो जान बचा के भागा थाने में, और थाने में आया कि जब मेरे ऊपर जबरन मेरे गाड़ी में माल रख के प्रकरण नहीं बनाते। उनकी शिकायत कर दी आज थाने? उनकी शिकायत अभी सागर जायसवाल और हम सब लोगों के द्वारा थाने पर की गई है कि इनके ऊपर जान से मारने की उनने इनको धमकी दी और इस पे झूठा प्रकरण बनाने का उनने बोला। हम लोगों के खिलाफ आवेदन नहीं दिया गया है। सबसे पहले तो एक संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, जो भागा उसको ओवरटेक करके हम लोग रोकने का प्रयास किया, तो उसने यू टर्न लेके हमारी गाड़ी को रगड़ते हुए निकल गया। फिर हम लोगों ने थाने में सूचना दी, थाने वालों ने उसको चौराहे पर रोक लिया गाड़ी। उसके बाद हम लोगों ने समस्त घटना और कार्यक्रम की सूचना थाने पर दी और चले आए। उसके बाद अब क्या हो रहा है उसके मुझे ज्ञात नहीं है। आपके द्वारा एक और आरोप लगाया गया है कि ठेके पर आपकी 50% 100% लगा सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। लगाना, आरोप लगाना तो बहुत साल मानने की बात है।